रोज की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भोग की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लक्ष्मी ब्लॉक के माध्यम से मानव जीवन में दोस्तों सद्भावनाओं का सृजन करने के लिए हमें कैसे अपने जीवन के मार्गों का सृजन करना चाहिए, कैसे भावनाओं के सृजन करने के लिए इस प्रकार के वातावरण को प्रशस्त करना चाहिए और किस प्रकार की भावों के संचार और सृजन से सद्भावनाओं की शुचिता को सृजित करने के भावों का संचार करके अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। जो कि आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, बदलते हुए वातावरण के परिवेश, बदलते हुए जीवन के कार्यों, जीवन पद्धति और इस और देश के परिवेश को शुचिता के भावों से सृजित करने के लिए मानव मात्र को आपसी सहयोग और सद्भावना के भावों का संचार करने के लिए हमें कैसे अपने को तैयार करने की ज़रूरत है, कैसे अपने को अपने मन को निर्मल बनाने की आवश्यकता है, इन बातों को चरितार्थ करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने विचारों का के भावों का को व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, सद्भावनाओं का सृजन हमारे प्रत्येक मानव के मन के आंगन में मीठे बोल बोल कर हमें जो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, वही सद्भावना का सही अर्थ है। यानी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंतर्मन में प्रवेश न करने देने की अनुभूति। वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो। तो ऐसे भावों का सृजन करके सद्भावों के का परिवेश बना करके वातावरण को किस प्रकार से परिशुद्ध किया जाए, मानव मन को इतने बड़े विशाल घनत्व वाले देश के मन, प्रत्येक मानव के मन को बदलना, जब तक एक दूसरे के भावनाओं में एकता के भाव नहीं होंगे, सद्भाव नहीं होंगे, एक दूसरे के सहयोग की भावना नहीं होगी, धर्म और जाति से हट करके जब तक हम मानवीयता के धर्म को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारे अंतःकरण में सद्भावनाओं का सृजन नहीं हो सकता। दूसरों के भीतर किसी भी प्रकार की कमियों से परे भावनाओं का सृजन करते हुए सत्कार और इज्जत से जीवन यापन करने की कला सद्भावनाओं का सबसे बड़ा आभूषण है। दोस्तों, सद्भाव में शांति का वातावरण प्रशस्त करने की अभिव्यक्ति से सुसज्जित करने की सोच है। शांति का वातावरण
ही सदाचार का प्रवेश द्वार होता है। और हमारे कर्म हमारे हमेशा हमारे साथ चलते हैं। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात का सा स्वरूप देने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार बरसात होने पर धरती में अपार प्रसन्नता का परिवेश हो जाता है, उसी प्रकार सद्भावनाओं के भावों से हर मन मंदिर में आनंद की अनुभूति होती होने लगती है। सफलता की फसल सींचने के लिए दोस्तों मेहनत को बरसात का सा स्वरूप देने की आवश्यकता होती है। हमारे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार दोस्तों गीता में कहा गया है कि जिस समय हमारे जीवन में कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। यानी हम कोई भी उपकरण कोई भी चीज़ कहीं पर लगाते हैं तो उसका समाधान भी हमारे पास रहता है, तभी उस कार्य की गुणवत्ता हमारे जीवन को परिमार्जित करती है। तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। यही पर सद्भावना की से समस्याओं का निदान सुनिश्चित करना संभव है। दोस्तों मानव जीवन का सौभाग्य दुर्भावनाओं में नहीं सद्भावनाओं में ही छुपा हुआ है। हम कितना भी एक दूसरे से का परित्याग करें, एक दूसरे से दूरी बनाएं, एक दूसरे से राग द्वेष की भावना रखें, कितना भी हम कुछ करें, अंततोगत्वा दोस्तों सद्भावना की अपेक्षा हमारे जीवन के लिए चरितार्थ होगी। वही हमारे जीवन को साकार बना सकती है, वही हमारे जीवन की शुद्धता निर्मलता का सबसे बड़ा हल है। उसी से हम जीवन की आधारशिला को मजबूत कर सकते हैं, नहीं तो हम बिखरते जाएंगे और इधर उधर भ्रमित होते जाएंगे। तो जीवन का उद्धार उत्तेजना में नहीं संवेदनाओं में है। दोस्तों आस्था आत्मविश्वास की डोर को संजोकर आत्मबल का निर्माण करना होता है। मानव जीवन की सफलता उन्नति और कठोरता में नहीं समरसता में होती है। तो पहले रोटी कपड़ा मकान फिर धर्म की बात को लंगे समझ, सबकी दुआओं सुकून अपनापन से सबका दुख हर लेने की भाव हमको अपने अंतर्गण में जागृत करनी है। हमारा जीवन अनेकों तौर तरीकों का भंडार है दोस्तों। चमकता वही है जो ज्ञान के संचार से सद्भावनाओं को सुदृढ़ता रखता है। वही मनुष्य अपने जीवन में सफलता के का प्रतिमान बनता है। तो दोस्तों सद्भावना से हमारा आशय है कि हित की भावना अर्थात समस्त राग द्वेष छल कपट से रहित अपने सुनहरे जीवन को खुशहाल और सजो कर रखना। मानव जीवन को वास्तविक सुख की प्राप्ति का यह एक ऊर्जा के समान अस्त्र है, एक मानव जीवन का सही स्वरूप है। इसी से हम जीवन की वास्तविकता को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। यही हमारे जीवन को साकार करने का सबसे बड़ा आभूषण है। दोस्तों सद्भावना से हमारा जीवन मंगल शुभ भावनाओं और हित की भावनाओं सहानुभूति और प्रेम और वात्सल्य की वास्तविक आनंद की अनुभूति से समरसता के भावों से सिंचित करने की सबसे बड़ी औषधि के समान है। कोई भी व्यक्ति संसार में दोस्तों साधन से नहीं साधना से महान बनता है। साधन हमारे पास अनेकों होते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने की साधना नहीं होगी तो हम उसके वास्तविक गुणवत्ता की पहचान नहीं कर सकते हैं, उसके अंतस तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसकी वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम अच्छे आचरण जब हमारे अंदर साधना की महानता के भावों का प्रकट हो जाता है तो हमारे आचरण में निखार आता है और हम प्रतिष्ठित
मानव के आचरण की भूमिका को अदा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो सद्भावना दोस्तों मानव जीवन के मानकीकरण का सबसे बड़ा सूत्र है। हमारे जीवन में दोस्तों सद्भावना हमें अनेकों प्रकार के व्यवसाय में लाभ की ओर अग्रसित करने के लिए किसी भी मूल्यवान ग्राहक को खरीदारी पर कुछ छूट देकर सद्भावना के भाव से भविष्य में कुशल व्यवसायीकरण करने की सबसे बड़ी प्राथमिकता का सूचक जिस प्रकार है, आकर्षण के भाव ऐसे ही हमारे अंतःकरण में सृजित होते हैं। जिस प्रकार एक व्यवसायी अपने लाभ की कल्पना करने के लिए जो उनका ग्राहक को जब वह मूल्यवान समझने की निधि के रूप में समझते हैं तो उसको थोड़ा सा छूट दे देते हैं, तो भावों के भविष्य में कुशल व्यवसायीकरण के लिए वह एक कुशल व्यवसायी कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में असाधारण इस प्रकार एक निश्चित व्यक्ति के पास असाधारण क्षमताएं, कौशल, अनुभव, संपर्क और पृष्ठता होने से किसी दूसरे व्यक्ति को विशिष्ट योगदान प्राप्त करवाते हैं। तो इसे सूक्ष्म रूप में दोस्तों हम कह सकते हैं कि सद्भावना सामाजिक परिवेश और व्यवहार की एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों और प्राणियों के साथ स्वयं धार्मिक या अनेक प्रकार की संतुष्टि को नियंत्रित करने के लिए अपनी साझेदारी प्रदान करता है। यानी विपरीत परिस्थितियों या विभिन्न प्रकार के अपवादों से दूरी बनाते हुए स्वयं को सकारात्मक दिशा भाव विचारों की ओर अग्रसित करना विविधता में एकता स्थापित करने की अभिरुचि है। सद्भाव आंतरिक शक्ति संतुलन सकारात्मक स्थिति यानी प्रत्येक व्यक्ति विशेष के तालमेल रखने की सबसे बड़ी पहचान। जैसे कि हम अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार, साझेदारों, पड़ोसियों से जुड़कर रहने के साथ किसी भी तरह की असामंजस्य से उदार दयालु भावात्मक तरीके से पेश करते हुए परस्पर विचारों में सामंजस्य स्थापित करते हैं तो यह निश्चित है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे शरीर में उसी प्रकार की अवयवों का निर्माण होता है। तो कभी भी शोक व बीमारी के समय में मैं परेशानी में हूँ, बीमार हूँ, ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में अंदर से मजबूत रखना और अपने प्रति सकारात्मक सोच पैदा करके सद्भावनाओं की भावनाओं का अंतःकरण में सही निर्णय लेने की आवश्यकता को बल देना चाहिए। हमेशा स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखते हुए मन को मजबूत करते हुए सद्भावना दर्पण के समान पारदर्शिता की अभिव्यक्ति हमारे जीवन को हमारे अंतस को खुशहाल बनाने की प्रेरणा का स्रोत है। हमारे जीवन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों, किसी के द्वारा समझा जाना और दूसरा किसी को समझ पाना। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खेल है। जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अनुभवों को साझा करते हुए जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं वे ही वास्तविक तथ्यों का बखान भी कर सकते हैं। अर्थात अनुभव से ही हम जीवन में सद्भावना और दुर्भावनाओं के परिणाम क्या होते हैं उसकी सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं और उसको प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रत्येक मानव चिंतन में उसको एक दर्पण के रूप में उतार सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों सद्भावना का कोई भी भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता है और कोई काल्पनिक संपत्ति नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई एक भी गीत
बजाते हुए दो बांसुरी सुनते हैं लेकिन एक की वाद्य यंत्र द्वारा एक ही वाद्य यंत्र द्वारा अलग अलग स्वर बजाए जाते हैं और दूसरा जब दो लोग एक गीत में एक ही पंक्ति गा रहे हों लेकिन अलग अलग स्वरों में गा रहे हों तो यह निश्चित है कि दोस्तों शांति और सद्भावना किसी भी समाज के आधार स्तंभ है। यदि किसी भी देश में शांति सद्भावना होगी निश्चित ही विकास संभव है, और बशर्ते देश व दिशा देश की दिशा और दशा का निर्धारण करने वाले पूर्णतया निस्वार्थ और पारदर्शिता के साथ कार्य में पवित्रता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध। तो दोस्तों देश हित सर्वोपरि है कि भावना से किसी भी कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा समर्पण सद्भाव की भावना से हर व्यक्ति को के अंतःकरण में इस ऐसे भाव विराजमान रहने चाहिए। आत्मनिर्भरता और विकास की भावना से देश प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। यहीं से कोई भी देश उन्नति के पथ पर अग्रसित होता है। सांप्रदायिक सद्भाव किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक और विकास की सर्वोपरि इकाई है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के से हटकर एक ही एक निश्चित धारा के प्रवाह में ढलकर यदि हम अपना मार्गदर्शन करेंगे तो देश प्रेम की भावना से महासागर का सा स्वरूप लेकर अखंडता का द्योतक होगा, यानी ऐसे भावों से अखंड ज्योति स्वतः ही प्रज्वलित हो जाएगी। यही हमारी सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। यही हमारे दैनिक जीवन में सद्भावनाओं के सौजन्य का स्वरूप है और यही हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि की सफलताओं की उपलब्धि है और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों इस प्रकार सद्भाव की हम समीक्षा करते हैं तो इस प्रकार की मानवता जिसके अंतर्गत किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो वह उसे मनोभावों से स्वहित समाज हित व राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी प्रकार के जीवन अपवादों से परे रहकर परस्पर एकता सामंजस्य और देश व समाज की प्रगति की सोच को जागृत करते हुए हर धर्म का आदर किसी प्रकार की कठोरता का परित्याग करते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर पारदर्शिता की सोच का संचार कर सकता है। ऐसे ही हम एक सुसज्जित समाज का निर्माण करते हुए सद्भावनाओं से अपने जीवन का आधार बनाते हुए सद्भावनाओं को प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को सच्चे मार्ग का निर्वहन करने में सक्षम हो सकते हैं। यही हमारे जीवन में शांति सद्भाव सौहार्द और परिमार्जित जीवन की ओर अग्रसर होकर निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, यही मानक है। दोस्तों हमारे जीवन में परमात्मा द्वारा दो वरदान हर व्यक्ति के जीवन के उम्र के पड़ाव में आते हैं, एक हमारी अच्छी रुचि, दूसरा हमारे जीवन का अच्छा अवसर। ये दोनों जीवन में सफलता उन्नति के बिंदु आते हैं। यदि हम अपने कार्यों में चाहे तो कितने कठिन हों निपुणता और रुचि से कार्यों को करना सीख जाएंगे तो यही हमारे जीवन की उन्नति और सफलता का सबसे बड़ा अवसर होता है। यहाँ पर हमें दुर्भावना को भी सद्भावना में बदलने का सबसे मूल्यवान समय हमारे पास होता है। जैसे कि वर्तमान समय में हमारे देश का एक ही नारा गूंज रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। यदि सही मायने में हम ऐसी भावना से हम कार्यों को निष्पादित करेंगे निश्चित ही जन जन में सद्भावना के भाव पैदा होंगे और भविष्य की दिशा और दशा प्रगति पथ पर अग्रसर होने निश्चित है। किसी भी कार्य को जमीन पर उतारने से पहले सोच पैदा करनी होती है, फिर उसकी भूमिका बनाई जाती है, उसके बाद उसे जमीन पर उतारने के संसाधनों का संचार करना होता है। जब इसके परिणाम फलदायक होते हैं तो यही सद्भावनाओं के विचारों को उजागर करने की सही रणनीति है। यही हर नागरिक के भविष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। दोस्तों हमें एक निपुण और आर्टिजन स्वयं के हाथों से कौशल और कला
कृति से सजावट को परिपूर्ण हस्तशिल्प हस्तकला के खिलौने व घरेलू सामान को बाजार में पेश करना है तो वहाँ पर किसी भी धर्म संप्रदाय का जिक्र नहीं होता है। तो हमारी उसी प्रकार सद्भावना की कला से मानव मात्र को वास्तविकता में आभूषित और अलंकृत करना होता है। जैसे एक परिपक्व ज्ञानवान अध्यापक किसी भी होनहार छात्र को वास्तविक ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करने की सोच पैदा करता है, वह छात्र के अच्छे भावी भविष्य का निर्माण करने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य करता है। निश्चित ही उस अध्यापक की छात्र के प्रति सद्भावना की सबसे बड़ी मिसाल है। छात्र और अध्यापक के बीच में स्वयं ही सद्भावना के भावों का संचार होता है। यह तब संभव है दोस्तों जब आपस में दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होने की लगन पैदा होती है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए शक्ति और सद्भावना सुनहरी रचनात्मक जीवन की कल्पना को इंगित करता है, जिसके लिए भाईचारा, अच्छा व्यवहार, देश हित की भावना, भावी पीढ़ी की संस्कारवान बनाकर सही बीजों का रोपण कर देशभक्ति में शांति, सद्भाव और सौहार्द की भावात्मक भावों से संचित कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं इसी के परिणाम स्वरूप फलदायक होंगे और यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारा मार्ग तभी परिमार्जित हो सकता है। सभी लोग सहजता, आराम, संतुष्टि, निश्चिंता का वातावरण बनाकर हर मन को एक ही धागे की डोर में पिरोकर बहुत बड़ी माला का सृजन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सांप्रदायिकता की संकीर्ण मानसिकता को अपने पनपने नहीं देना है। व्यक्तिगत धर्म के भावों में मानवता के हितों को प्रोत्साहित करते हुए मानव मात्र के संरक्षण और राष्ट्र की प्रकृति को प्राथमिकता से लेने की आवश्यकता है। दोस्तों इस प्रकार सद्भाव हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा आभूषण है। सद्भाव ही मानव के अस्तित्व को लंबे समय तक सजो कर रख सकते हैं। सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना के वर्ण में दोस्तों शांति सद्भाव की कामना करते हुए सबको मेरा मैं सब सबके जीवन में सद्भावनाओं से हमारा आशय है कि हित की भावना अर्थात समस्त राग द्वेष छल कपट से रहित रहकर अपने सुनहरे जीवन को खुशहाल और सजो कर रखना। मानव जीवन को वास्तविक सुख की प्राप्ति यह एक ऊर्जा का स्वरूप है। यही हमारे जीवन को सकारात्मक करने में सबसे बड़ा आभूषण है। सद्भावनाओं से ही हमारा जीवन मंगल शुभ भावनाओं और हित की भावना सहानुभूतिपूर्वक प्रेम और वात्सल्य से वास्तविक आनंद की अनुभूति से समरसता के भावों से सिंचित करने की सबसे बड़ी औषधि है। तो दोस्तों आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके पुनः मंगल भविष्य की कामना के साथ, उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ, शांति सद्भाव की कामना करते हुए बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा है आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। सबका धन्यवाद। टेक केयर।